हेलो दोस्तों, मनमीत किचन में आप सबका स्वागत है। सिंस न्यू ईयर्स ईव आने वाला है तो क्यों ना एक केक की रेसिपी देख ली जाए। और ये केक बहुत ही इजी है। इजी इस सेंस में है कि ये नो बेक केक है, मतलब हमें इसमें ना ओवन की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें कढ़ाई में कुछ पकाने की ज़रूरत पड़ेगी, सिंस ये नो बेक केक है और ये चीज़ केक है। बहुत ही टेस्टी लगता है और आपने मार्केट में शायद बहुत देखे होंगे ऐसे चीज़ केक के स्लाइसेस सर्व किए जाते हैं, बहुत ही हाई रेट्स होते हैं उन सब के। तो आज हम इसकी रेसिपी देखते हैं कि एग्जैक्टली ये बनता कैसे है और हम एक होममेड सॉस बनाएंगे ऊपर डालने के लिए इसके। तो चलिए फिर देखते हैं बिना देरी के ये रेसिपी। और आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेज न्यू ईयर की मेरी तरफ से और मनमीत किचन की तरफ से। तो चलिए देखते हैं फिर नो बेक स्ट्रॉबेरी चीज़ केक की रेसिपी। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और विश कीजिए कि ये न्यू ईयर हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं, उसे बारीक काट लिया है, 200 ग्राम है। और यहाँ डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं मैंने 200 ग्राम। चीनी लेंगे यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून और बटर 4 टेबल स्पून। चीनी डिपेंड करेगी हमें कितना मीठा चाहिए। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ली है जो कि है क्रीम चीज़। ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी और ये मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि केक वगैरह बनाने के लिए यूज़ की जाती है। और ये हमारा केक मोल्ड जिसमें हम अपने केक को सेट करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ना जेलेटिन का यूज़ किया है और कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की। बहुत ईजी रेसिपी है, सिंपल इन्ग्रीडियंट्स हैं, बस आपको एक क्रीम चीज़ जो है वो आपको मार्केट से जाके लानी पड़ेगी मेरे ख्याल से, और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। जो मैंने ब्रांड शो किया है मूज ब्रांड है, एक डिलेक्टा करके ब्रांड आता है, आप किसी की भी क्रीम चीज़ ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर किया क्या है कि जो मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं उन्हें अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स का ही यूज़ कीजिए, मैं मारी गोल्ड या और कोई बिस्किट सजेस्ट नहीं करूँगी, वो बहुत ड्राई होते हैं। और डाइजेस्टिव बिस्किट्स का टेस्ट जो ये चीज़ केक बनता है इसमें बहुत अच्छा आता है। कोई भी ब्रांड के डाइजेस्टिव बिस्किट्स लीजिए आप। और यहाँ डाल दीजिए मेल्टेड बटर, मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून के आसपास लिया है, शायद आपको कम लग रहा होगा बट मैंने हल्का सा और डाला था। बेसिकली हमें देखना है कि हमारे जो बिस्किट्स का मिक्सचर है वो थोड़ा सा गीला हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसे सेट करना है, वो ड्राई रहेगा तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मिला लीजिए बटर को, और ये ऐसे ही थोड़ा सा गीला गीला सा दिखना चाहिए। और इसे हम क्या करेंगे ना, बेस पे बिछा देंगे। अब आप चाहें तो बटर पेपर वगैरह लगा सकते हैं, मैंने उसके बिना किया है सेट अपने केक को। और मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जब हम केक को स्लाइस करेंगे। तो ये केक की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसमें ऐसे कोई आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ नहीं की, बहुत ही नेचुरल चीज़ें हैं और बहुत आसानी से मिल जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज भी बहुत आसानी से मार्केट में मिल रही है इस समय। और जैसे कि मैंने बताया कि बाहर ये जो केक है बहुत हाई रेट पे मिलता है, आप एक बार घर पे बना के ट्राई कीजिए। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने बिस्किट का जो बेस है अच्छे से सेट कर दिया है उसे प्रेस करके एकदम, आपको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ हम ले लेंगे क्रीम चीज़। ये क्रीम चीज़ जो होती है ये हमारी जो नॉर्मल चीज़ स्प्रेड है वो नहीं है, ये डिफरेंट होती है और ये केक्स वगैरह में यूज़ की जाती है। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम क्रीम चीज़ ली है क्योंकि मुझे 150 ग्राम का पैकेट मिला था। अगर आपको 200 ग्राम का मिल जाता है तो आप 200 ग्राम भी ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने डाल दी है थोड़ी सी चीनी। अब इस चीनी को हमें अच्छे से अपनी क्रीम चीज़ में मिलाना है। आप थोड़ा सा छोटा विस्क यूज़ कीजिएगा और इसे अच्छे से फ्लफ़ी कर लेंगे। बेसिकली इसमें कोई लम्स नहीं रह जाने चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी तो नहीं होगी ये, बट इसको लम्प फ्री कर लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कितनी शुगर लगेगी वो आपको देखना होगा, आपकी स्ट्रॉबेरीज़ कितनी मीठी हैं और आपकी जो व्हिपिंग क्रीम है उसमें स्वीटनेस है या नहीं। अगर उसमें स्वीटनेस नहीं है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो 5 से 6 टेबल स्पून में काम हो जाएगा। यहाँ मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम, एकदम चिल्ड है। और यहाँ मैं एक इलेक्ट्रिक विस्क का यूज़ करूँगी और इसे एकदम अच्छे से फुला लेंगे। आपको इस प्रोसेस में 7 से 8 मिनट लगेंगे, बट आपको इस क्रीम को अच्छे से व्हिप करना है ताकि वो डबल से भी ज़्यादा हो जाए साइज़ में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरा प्रोसेस। तो जो क्रीम चीज़ है, जैसे कि मैंने बताया व्हिपिंग क्रीम मैंने 200 ग्राम के आसपास ली है और क्रीम चीज़ 150 ग्राम।
अगर आप क्रीम चीज़ थोड़ी बढ़ा भी देंगे तो कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ, यहाँ मैंने पाउडर शुगर ली है, साबुत चीनी का यूज़ नहीं किया। ये इजीली मिल जाती है क्रीम में, तो आप भी पाउडर शुगर ही लीजिएगा। जो मेरी क्रीम है ये ज़्यादा स्वीट नहीं है, तो मैं इसलिए इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। अब पहले जब हम इस क्रीम को विस्क करते हैं ना, तो क्या होता है कि पहले सॉफ्ट पीक्स बनती हैं। आप देख सकते हैं पीक्स, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी पीक्स दिखने लग गई हैं, ये देखिए इस स्टेप पे। तो अब इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रीम चीज़ का मिक्सचर था उसे इसमें मिला देंगे। जो क्रीम चीज़ होती है ना उसमें हल्का सा टैंगीनेस होती है। अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर सकते हैं, क्रीम चीज़ के साथ लेमन जूस का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं इसकी जो नेचुरल टैंगीनेस है वही मेंटेन रहने दूंगी, मैं लेमन ऐड नहीं करूंगी। अब हम पूरे इस मिक्सचर को जब तक विस्क करेंगे, जब तक कि हमारी थोड़ी सी हार्ड पीक्स नहीं आ जाती, तो ये बेसिकली जैसे हम केक की लेयरिंग करते हैं ना वो ली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये क्रीम बहुत टेस्टी लगती है खाने में, अगर आप इसको अभी ऐसे भी खाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो क्रीम का मिक्सचर है वो रेडी है। अब हमें क्या करना है, बहुत इजी है, सेकंड लेयर बिछानी है इस क्रीम की। तो इवनली स्प्रेड कीजिएगा, ये जो केक मोल्ड है इसको यूज़ करने का बस एक यही फ़ायदा है कि हमारा बहुत क्लीन एजेस आते हैं और हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमें इतनी आदत नहीं होती जितनी मार्केट वालों को होती है, वो एकदम अच्छे से शेप बना देते हैं। तो आपको बस इसे फैलाना है इवनली, दैट्स इट। और हमें इसको अच्छे से चिल करना है, आप आधे घंटे के लिए रखिए जब तक हम सॉस बना रहे हैं, और उसके बाद हम इसे वापस, जब सॉस डाल देंगे ऊपर उसके बाद हम इसे वापस फ्रीज करके और फिर खाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये मेरा केक मोल्ड है, ये 22 सेंटीमीटर का केक मोल्ड है। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा या छोटा यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से आपका साइज़ आएगा केक का। थोड़े से साइड्स को क्लीन कर लीजिए नैपकिन से और इसे रख दीजिए फ्रिज में, थोड़ा सा सेट हो जाएगा ये। तब तक हम अपनी स्ट्रॉबेरी सॉस बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली है, बहुत इजीली अवेलेबल है, आजकल इसका सीजन है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, यहाँ 2-3 टेबलस्पून चीनी डालिए, और आप टेस्ट करके देख सकते हैं अगर आपको और डालनी हो तो। अब जो स्ट्रॉबेरी होती है उसमें एक खटास होती है, तो बहुत अच्छा स्वीटनेस आती है और टैंगीनेस आती है, ये सॉस बहुत अच्छी लगती है। तो अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। होगा क्या, हमने चीनी डाली है, चीनी मेल्ट होगी, उसके बाद जो स्ट्रॉबेरी के जूसेस हैं उसकी वजह से बहुत मॉइस्चर आ जाएगा। हमें इसमें कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना, आप देखते रहिए खुद पर खुद इसमें मॉइस्चर रिलीज होगा और हमारी स्ट्रॉबेरीज पक जाएंगी अपने आप। तो इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइए, तब तक पकाना है जब तक जो मॉइस्चर सारा रिलीज होगा, जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता। हमें एक तरह से एक सॉस की कंसिस्टेंसी चाहिए, हम इसमें कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो है ना, बहुत ही ईजी प्रोसेस। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब आप ये चीज़ केक खाएंगे ना तो आपको जो मैकडोनल्ड्स में एक सॉफ्ट सर्व दी जाती है जिसमें स्ट्रॉबेरी सिरप होता है, वैसी वाली फीलिंग आएगी आपको, बहुत ही अच्छा बनेगा ये केक। आप देख सकते हैं कैसे स्ट्रॉबेरीज एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, कलर भी डार्क हो गया है, तो ये परफेक्ट है कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी पे मैं इस सॉस को अलग कर लूँगी, हमें इसे अच्छे से ठंडा करना है। जब हम ठंडा करेंगे हल्की सी और गाढ़ी होगी और फिर हम अपने केक पे इसे स्प्रेड करेंगे। तो आपको इस केक को बनाने के लिए ना मुश्किल से मेरे ख्याल से आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, उसको फिर सेट करना है और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। न्यू ईयर पे अगर आपके कोई प्लान्स नहीं भी हो तो आप ये केक बना के फैमिली को सर्व करें, इन्जॉय करें घर पे ही। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब इस सॉस को अच्छे से फैला देते हैं, मैंने सॉस ठंडी कर ली थी, और इसे बहुत हल्के हाथों से स्प्रेड कीजिए। तो ये हमारा केक ऑलमोस्ट रेडी है, 3 लेयर का केक बना है। जो नीचे डाइजेस्टिव बिस्किट्स का हमने बेस बनाया है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। उसकी जगह अगर आप ओरियो यूज़ करना चाहते हैं, आप ओरियो कुकीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। बट कोई ज़्यादा ड्राई बिस्किट यूज़ ना कीजिएगा, जैसे कि मारी या फिर पार्ले जी वगैरह। तो चलिए अब इसे सेट करते हैं 4 घंटे के लिए, और उसके बाद हमारा केक कुछ ऐसा लगेगा। तो मैं कोशिश कीजिएगा कि आप इसे अच्छे से सेट कीजिए। जो मेरा केक है वो हल्का सा कम सेट है, मुझे ऐसा ही पसंद है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी।
और ये मैंने साइड्स क्लीन कर ली हैं और अब इसे बहुत हल्के हाथों से हम इसका जो साइड का ये है ये निकाल देंगे। तो ये हमारा केक रेडी है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी स्ट्रॉबेरी से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ आपको, यहाँ पर जो बेस पे बिस्किट्स हैं वो कई बार नीचे चिपक जाते हैं और वो आसानी से निकलता नहीं है, तो आप हल्की सी नीचे स्टीम दीजिए, केक के नीचे बिल्कुल हल्की सी स्टीम दीजिए ताकि जो बिस्किट्स हैं वो बेस को छोड़ दें, और फिर आप ये केक सर्व कीजिएगा और आप खुद देखिएगा कि ये कितना अमेजिंग जाता है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पीस कट कर रही हूँ। मेरा फर्स्ट पीस जो था वो उतना क्लीन नहीं आया था, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है क्योंकि सॉस वगैरह जो है वो थोड़ी सी लूज़ है। आप अगर इसे फ्रीज कर देंगे ना तो वो बहुत हार्ड हो जाएगी, मुझे वैसी नहीं पसंद। तो चलिए दूसरा पीस सर्व करके दिखाती हूँ आपको मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से जो नीचे बेस है वो अलग हो गया है। तो आप भी इस केक को एंजॉय कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम केक बना रहे हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है या नहीं फर्स्ट टाइम केक के लिए। तो चलिए दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस न्यू ईयर की। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।